नमस्कार, शिल्पा गुप्ता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे अंगूर की लौंजी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम 250 ग्राम अंगूर ले लिए हैं, ये थोड़ा कच्चा वाला है। तो इसे हम अच्छे से धो लेंगे। धो करके हम तैयार कर लिए और थोड़ा सा गुड़ ले लिए हैं, थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा पंचफोरन। अब इस अंगूर को हम आधे आधे टुकड़ों में कट करेंगे। आधा अंगूर से ज़्यादा हम आधा आधा कट करेंगे और थोड़ा सा हम चॉपर में चॉप करेंगे। तो चॉपर में हम ले लिए हैं और अब हम इसे चॉप कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा बनता है अंगूर की लौंजी। तो ये देखिए दरदरा कर लिए हैं। तो यह हमारा अंगूर भी कट करके तैयार है। तो अब एक पैन में हम थोड़ा सा रिफाइंड डालें, आप घी भी डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पंचफोरन डालें। जब जल जाए पंचफोरन तब हम इसमें अंगूर डालेंगे। जिसे पंचफोरन का टेस्ट नहीं पसंद है इस तरह खड़ा खड़ा, तो उसे तवा पर हल्का सा गर्म करके आप मिक्सी में पीस लें, तब आप अंगूर की लौंजी में डालिए। उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो जब ये पंचफोरन हमारा जल गया तो अंगूर सारा डाल दिए और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक बहुत ही कम डालना है और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। तब तक हम इसे इधर गुड़ को कट कर लेते हैं। ये गुड़ हमारा 150 ग्राम के आसपास है, क्योंकि अंगूर हमारा उतना भी खट्टा नहीं है। तो कट करके तैयार कर लिए। अब इधर हम अंगूर को देख लेते हैं। तो ये देखिए हल्का सा अंगूर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें ये इमली डालेंगे। इमली इसलिए डालें क्योंकि हमारा अंगूर बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है। अगर आपका अंगूर खट्टा है तब इसमें इमली नहीं डालिए, ना ही आमचूर पाउडर, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें गुड़ डाल दिए और चॉप किया हुआ अंगूर भी डाल देंगे। अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। गैस का जो फ्लेम है मीडियम पर ही बनाइए तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, मिर्ची पाउडर का यूज नहीं कीजिए। और इसे अच्छे से मिला करके ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि हमारा अंगूर और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गुड़ भी अच्छे से गल जाएगा। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट बाद हमारा ये अंगूर अच्छे से अब सॉफ्ट हो चुका है। तो ये अब इसी पे हमें उतार लेना है। गैस बंद कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर अभी गाढ़ा कर देंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम भुना हुआ जीरा पाउडर डालें, इससे और भी अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा काजू, आप इसमें और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। इतना गीला पर ही उतारना है, अगर थोड़ा टाइट करिएगा तो फिर बाद में बहुत हार्ड हो जाएगा। तो ये देखिए अंगूर की खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, तो एक बार आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।